प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे चने का निमोना बनाएंगे। पहले इसका छिलका उतार लेना है। ये देखिए, सभी दाने को अलग कर लेंगे। हरे चने का निमोना बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर बनाइए। कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी चने को छील लिया है इस तरीके, इसका दाना अलग कर लिए हैं। ये बड़ी साइज प्याज काट लिया है बारीक। ये दो लाल सूखी मिर्च है। ये आलू को हमने बड़ी पीसेस में काट लिया है। ये देखिए, आइए आगे की तैयारी करते हैं। चने को अच्छी तरीके हमने पीस लिया है सिलबट्टे में। ये मसाला है हरिशंस मसाला, एवरेस्ट मिर्च मसाला। इसमें पानी डाल देंगे, इसको भिगो के रख देना है आधे घंटे के लिए। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। सरसों का तेल डाल दिया, जीरा डाल दिए हैं, जीरा चटकने लगा। कटी हुई प्याज डाल देंगे, इसको भूनना है, थोड़ा ब्राउन करना है। आइए आलू को अच्छी तरीके धुल लेते हैं। आलू भी धुल लिए, फिर प्याज चलाएंगे। देखिए ब्राउन हो रही है प्याज। कटे हुए आलू डाल देंगे, इसको भी भूनना है। गैस को फ्लेम हाई रखेंगे। आइए टमाटर काट लेते हैं बड़े बड़े पीस में इस तरीके। टमाटर भी काट लिए हैं। आलू भी ब्राउन हो चुका है। ये देखिए, अब मसाला डाल देंगे। ये मसाले हमने डाल दिया। इसको भी भूनना है। मसाला भून चुका, अब कटे हुए टमाटर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसको भी मिलाएंगे। इसको मिला के गैस को फ्लेम मीडियम कर देंगे। 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि टमाटर पक जाए। दस मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए, सब्जी में उबाल आने लगी अच्छी तरीके, तेल भी अलग हो रहा है। सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब आप इसे सर्व करें। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आप इसे घर पे ज़रूर से ज़रूर बनाइए। अगर एक बार इसको बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। बहुत ही लाजवाब टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।